हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए को बहुत पसंद आएगी। यह रेसिपी बच्चों और बड़ों सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा बना। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम बनाते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप दलिया, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 चम्मच घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है मैंने यहाँ पे। इसमें यह रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक हैवी बॉटम का बर्तन लेंगे। यहाँ पे मैंने दूध को एक साइड गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन को गैस ऑन करके रख लिया है। पैन गर्म हो गया है तो हम इसमें घी डाल देंगे। घी मेल्ट होने के बाद इसमें दलिया डाल देंगे। दलिया को हमें 3 से 4 मिनट पर लो फ्लेम पर भूनना है। ये ध्यान रखना है कि हमें ये रेसिपी लो फ्लेम पे ही बनानी है। ये देखिए, यहाँ पे दलिया में मैंने दूध डाल दिया है। दूध को हम चलाते हुए 10 मिनट तक पकाएंगे। धीरे धीरे दलिया गाढ़ी होने लगी है, इसको चलाते रहेंगे। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये ठंडी होके और भी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, दलिया गाढ़ी हो गई है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखे हैं उसको डाल देंगे, इलायची पाउडर भी डाल देंगे इसमें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप इसको और भी स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।